अंबानी की कंपनी रिलायंस की ओर से इस स्मार्ट सिटी को बसाया जा रहा है। इसे मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड या मैक्स सिटी का नाम दिया गया है। जापान की चार कंपनियां निहोन कोहडेन, पैनासोनिक, डेंसो और सुजुकी ने रिलायंस के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी दिखाई है। ये चार कंपनियां स्मार्ट सिटी में अपना ऑफिस भी स्थापित कर चुकी हैं। हरियाणा के झज्जर में बन रहे इस शहर को मेट सिटी का नाम दिया गया है। यह शहर 8000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में तैयार हो रहा है। इस शहर की खासियत इसका लोकेशन है और राजधानी दिल्ली का इसके करीब होना इसके महत्व को बढ़ा देता है। यह स्मार्ट सिटी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पास है, जिससे इसकी दूरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम हो जाती है। यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से भी कनेक्टेड होगा। मतलब मेट सिटी कनेक्टिविटी के तीनों माध्यमों सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ होगा। DNA की एक रिपोर्ट बताती है कि मेट सिटी को अभी तक 76 नई कंपनियों से करीब 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। इस स्मार्ट सिटी में करीब 2000 यूनिट की बिक्री हो चुकी है। इस सिटी में रहने वालों को द सहवाग स्कूल और SGT यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सुविधा मिलने वाली है, जबकि हेल्थ इंफ्रा के मामले में प्राइवेट संस्थानों के अलावा नजदीक में एम्स की भी सुविधा होगी। क्या आप भी स्मार्ट शहर के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ तो हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए और हम मिलते हैं आपको हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।